बात है। कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बा इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये जमीन आसमां। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा तेरे जीना, मैं तो बिन तेरे है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना, तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, कहीं तो दिल में यादों की एक सूली दड़ जाती है, कहीं कोई तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगे, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया था, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, सांस हैरान है मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, आसमान के सितारे नैना गगन में आज टूटते हैं, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं, माँ के सब सपने होते हैं, अपने ही तो अपने हैं, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने मैं मनाऊं कैसे, तू बता रोके ना रोके नैना, तेरी ओर है ने तू रहना, यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में।
हेलो हाय योर मोस्ट मेमोरेबल डे एट आरडीएमसी Who's the person you envy the most and why? कुछ काम नहीं करते फ्री का पैसा उठाते भाई मोटा होता How much money do you think you have spent on Nilu's shop? Business tycoon बोलते हैं उसे। इतना आधी रात को आता था भाई थैला भर-भर के। सामान बेच के चला। मतलब exactly ऐसे ऐसे कोई amount नहीं है। Amount याद नहीं है। लेकिन बेटी की शादी में गहने भर के पैसे देती है। ठीक है उतना भी है। 5-7 लाख। इधर जिसका जितना होगा उसका डबल मेरा होगा। अब करेक्शन है भैया। Nilu shop नहीं है। Nilu supermarket है। ठीक है। Supermarket। Nilu supermarket। Who's the taranhar of your batch in examination hall? अलग देवता देवता एग्जाम पास आते अरे राजमणी भाई देखो बेड़ा पार पहुंचाने वाला कारण हाल है राजमणी एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद एग्जाम के समय जो अगल बगल बैठ गया उसमें हमारी जिम्मेदारी है उनकी बर्थडे पार्टी थी तो पहुंच गए तो बड़ी पार्टी और मतलब जैसे भूखा आदमी होता है ना कि मतलब सब कुछ दे तो बूफे पूरा मिल जाए तो भाई रिपोर्ट भी पी ली बियर भी पी ली फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं ब्लैक डॉग भी पी ली सब पीने पानी के बाद मतलब मुझे जो अंतिम चीज मैंने पी उसके बाद मैं पलटा उसके बाद जो मेरी अगली याद है कि जब मैं सो करके उठ रहा हूँ मैं कह रहा यार हॉस्टल तो अपना भी नहीं है मैं डीआर हॉस्टल में भी नहीं हूँ है तो एसआर हॉस्टल भी नहीं वो आप बताएंगे फिर बगल में देख रहा हूँ कि कौन है बगल में बैचमेट उधर बहुत सब लोग लेटे हुए हैं मैं कहा यार नहीं कुछ किसी अलग जगह पे कौन लूट ले सर में दर्द हो रहा है पानी पिया सो गया फिर थोड़ी देर बाद एसआर बॉस आके कह रहा है लौंडो चलो भाई आओ आओ आयो घूमोगे तो नहीं ये कब हो गया भाई मैं तो बांद्रा में सोया था भाई साहब रास्ते भर उलटते आए हो रास्ते भर चिल्लाते आए हो सही वहाँ मतलब कहानियां बहुत सी हैं सब मेमोरेबल है लेकिन ये कुछ ऐसा था कि मतलब एक्सट्रीम हो गया बहुत पहली बार लाइफ में बहुत क्या भाई उसके बाद हम गए छत पे वहाँ पे हुआ बॉनफायर बॉनफायर के बाद मुझे याद नहीं है एक धुंधली धुंधली याद है कि मैं आग की तरफ देख रहा हूँ फिर सीधा अगले दिन शाम के 4 बजे उठ रहा हूँ और उठते ही मेरे लोअर गायब है ऊपर कपड़े गायब है गौरव भाई का धन्यवाद गौरव भाई ने हुआ क्या था ये लोग बताए थे मुझे कि मैं वहां से गायब हो गया था पार्टी से आधे घंटे के लिए दुनिया मुझे ढूंढ रही है साहू बॉस कहां है साहू बॉस कहां है वो तुषार चौधरी अलग क्या साहू बॉस कहां है पूरे में गाने गाए जा रहे हैं साहू बॉस नहीं मिल रहे आधे घंटे बाद किसी ने बोला अरे बाथरूम में बंद है मैं टॉयलेट गया वहां जाके सो गया अब खूब खूब जगाने की कोशिश की गई खूब गेट पीटा गया ऊपर से बाल्टी बाल्टी भर के बॉल लगा के पानी डाला गया फिर जाके कोई कूदा अंदर जाके कुंडी खोल ये सब जरूर है तब जाके मैं बाहर आया 3x4 का जो पैखाना जिसको उसमें हो रहा था पैखाने में हो रहा ठीक है अच्छी रात थी लंबी रात बहुत लंबी रात थी मोहित की बहुत लंबी रात हुई थी प्राणी से पूछा
एक देवा बॉस की भी है, तुम्हारे देवा बॉस की भी एक सिमिलर स्टोरी है, वो भी मजा आ रहा है, वो उन्होंने बताई होगी। What would be the reaction your personality with which you entered will give to the personality with which you are going to leave this college? अरे मुरी मैया जे का देख लो नहीं जब आए थे तो थोड़ा बहुत किसी चीज में हिचकिचाहट रहती थी, ठीक है, ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया पहले से कि भाई हां कुछ भी है, अब तो डॉक्टर है, आए तो चूतिया है, बड़े चूतिया लेकिन अब डॉक्टर हो गए, चूतिया डॉक्टर को मिला जुला के सही है। मोस्ट मेमोरेबल डे पूछे थे, सबसे खुशी का दिन मैं बताऊंगा जब फाइनल ईयर प्रॉफ का रिजल्ट पास हो गया, एकदम अप्स डाउन्स आए हैं, फेयरवेल मतलब फेयरवेल तक पहुंचने में प्रेशर जब दी थी तुम लोगों को तब से लेकर बहुत मतलब कुछ अच्छे मोमेंट भी आए, प्रेशर्स में भी बैच में थोड़ा सा होता है, अंदर होती है, अंदर आपस में भी होती है लेकिन फिर रिजॉल्व भी हो जाती है, मतलब बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है और सबकी रहती है लेकिन रोलर कोस्टर जाते कितने मजे के लिए, वो मजा आया, पता नहीं पड़ा मजा उसमें भी नहीं पड़ा, अगर महीने तो अब तुम प्रेशर तो मतलब एक साल बाद भी हुई थी ना, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा यार दो तीन महीने की बात है, यही आए थे अपना झूला उठा करके लाइब्रेरी में एंड एडमिशन कराया था, अब झूला उठा के जाने का टाइम आ गया, प्रेशर्स में खुशी थी, फेयरवेल में दुख है, हां तो खुशी भी है दुख भी है, खुशी कम है दुख ज्यादा है, अब नौकरी कोई नहीं पड़ेगी यार पढ़ लेना चाहिए था कुछ लोगों को तो छोकरी भी खोजनी पड़ेगी भैया लेजेंडरी भाई लेजेंडरी डिग्री के साथ बाबू भी ले जाते हैं मम्मी पापा, आप मम्मी के हाल है योर मूड स्टेबलाइजिंग सब्जेक्ट, मूड स्टेबलाइजिंग सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एग्जाम में इतना मूड स्टेबलाइज हो गया, बॉलर्स थ्रो वाइड वी वॉश क्लोथ विद टाइड आई डोंट नो व्हाट इज कार्डियक लाइकोसाइट पोएट्री कर रहे हैं भाई कर रहे हैं एग्जाम में फार्मा मूड स्टेबलाइज आप बताइए हां सी कैसी कुछ आशियो बता सविता भाभी गानी है भाई का तो नजीब के लेक्चर्स प्रॉफ के एक और है क्लास के खास वाले वन एक्स पे नजीब के लेक्चर वन एक्स हां भाई वन एक्स तो चलता था इसका फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज मिल गया अनबिलीवेबल मिल गया बस ठीक है अब हो गया जो मिलना था मिल गया वो जो अच्छा एक है ना जिसमें अक्षय कुमार बहुत सारे एक्सप्रेशन देता है एक साथ दे देना दिन का एक सीन है एकदम वैसे एकदम वैसे मुझे कॉलेज क्रिकेट का नाम लिखा था बड़ा सा पढ़ के बहुत खुशी हुई थी मतलब मेडिकल कॉलेज नाम है एलीट वर्ड यूज किया है वर्ड यूज किया है गौरव भाई अरे ठीक है दो सौ साल करके गए कुछ तो रह जाएगा ना थोड़ा अच्छा लगेगा If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both memories. भैया देखो सर्जरी का जो है सर्जरी के अगले दिन प्रैक्टिकल है उसके पहले वाली रात था मतलब बस खून निकल नहीं रहा था आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे लेकिन शरीर का ऐसा कोई खून नहीं था जिससे खून नहीं निकल रहा था मतलब वो चीज भूल जाए मतलब आज भी कई क्लियर आ जाते हैं दिन दिन में तारे दिखने लगते हैं वो याद करता है मेरे पास है और मैं दोनों पिल उसी जगह लगा देना चाहता हूं चेंज करके बुला देगा चेंज कर दो या बुला दो प्लीज माफ कर क्यूबिटल फुसी यार ट्रेवलर इज गाइस आई एम गुड तुम लोगों को पता है नहीं पता चलो अच्छी बात है वो जो जिनको सुनना है वो अरे हुआ क्या था देखो ये होता है अच्छी मेमोरीज लोग भूल जाते हैं याद नहीं रखते तो मैंने एक बार एनाटॉमी के डेमोंस्ट्रेशन में स्टेपला बहुत अच्छी सुनाई थी बहुत ज्यादा अच्छी मतलब पूरे एकदम 3D में सबको पता चल गया था कहां क्या अटैचमेंट्स है कहां क्या सब एकदम जैसे बता के बता दिए ये है एक बड़ा आदमी आया है उसकी स्टेपला ये खड़ी है तो पूरे बैच वाले अरे गुमन साहू है बोल रहा है क्या समझा रहा है की बात है क्या समझाता है एंड यहां चढ़ गया चढ़ेगी जा फिर जब हम लोग के वो होते थे सेमिनार से सेमिनार ना तो उसमें ये हुआ कि हम लोग को चार लोगों का टॉपिक मिला क्यूबिटल फोसा छोटा सा ट्राइंगल घुस गया मेरे में तो उसमें ये हुआ कि हम चार लोग थे तो किसी ने कुछ प्रिपेयर किया किसी ने कुछ और मैंने बोल दिया अरे कर लेंगे
दो तीनों बिताई खा, ये तो संभाल ही लेगा, ये तो समझा चुका है, ये तो संभाल लेगा। और मैंने जाके जो हागा मैंने लिटरल हागा, मतलब वो क्या बोलते हैं, रंजन सर, रंजन सर बोले बेटा कहना क्या चाहते हो। सेरोटोनिन और डोपामाइन बूस्टर इन अ मेडिकल जर्नी। एक तारीख पास आती नहीं है, 29-30 चल रही होती है, स्टूडेंट लोग का फोन आता है, अरे एक मिनट आ जाना मेरे रूम में, अजय को भी लेते आना, ठीक है। देखो एक तारीख आने वाला, कल से हमें प्लान करना है कैसे पढ़ना। देख भाई प्रॉप में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस एक महीना बाकी है, इसलिए एक डेढ़ महीने पहले ही होना स्टार्ट होती है, एक दो तीन महीने पहले। ये एक अलग सीन है, मतलब ये दोनों काफी क्लोज हैं, तो सेरोटोनिन डोपामिन ये है, और स्पोर्ट्स जैसा कि श्रेयस बता चुके हैं, तो स्पोर्ट्स तो ऑल टाइम फेवरेट है, फुटबॉल वॉलीबॉल और वॉलीबॉल जिसमें बता रहे भाई आपके सेरोटोनिन बढ़ाओ चाहे डोपामिन बढ़ाओ, हम इंतजार में शामिल। Who do you think is the most beautiful girl of your batch? Of college? यार ऐसे हम कर नहीं सकते ना, तुम ही समझो ना, हम कुछ ना कुछ सोचते भी होंगे, पहले अलग ही सोचा भी नहीं है ऐसे, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल को ऐसे बता नहीं सकते हम, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। लेकिन पुष्पा की बात कर लो, एक नंबर आ गया। एंड हु इज द मोस्ट हैंडसम मैन अकॉर्डिंग टू यू ऑफ योर बैच? अकॉर्डिंग टू मी माई सेल्फ कॉलेज So any drunk stories? And who's the person you envy the most in life? Manisha, because she's a multi-talented girl and all-rounder.
he's a kind of inspiration. What would be the reaction of your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? Well done. पहले से थोड़ा ज़्यादा open और confident opposite हो गया. How much money do you think you have spent on Nidhu shop? बहुत सारे. Please put it. Convinced or confused the examiner? What do you prefer in Viva? Confused. Time flies from giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both. Change what? मतलब दो mistakes करेंगे जो भी था मतलब जो mature नहीं थे. Any story? हाँ नहीं. हाँ नहीं. चलो बोल. And the most memorable day at RDMC. वाला. I think get to come after party. First day, first thought while entering the college. Dream come true. मुझे घर जाना है. मेरा ये देख इतना खाली खाली क्यों है सब यहाँ कोई देख क्यों नहीं रहा है. और यार देखो मेरा ये था जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी. मैं सोचती थी कि चलो मुझे फाइनली कोई कॉलेज में एडमिशन मिल गया. मैं सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी. मुझे सामने लोग देखे पूछते आई यू सीरियसली फ्रॉम दिल्ली. मैं थी कि हाँ यार मैं दिल्ली से ही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी यार यहाँ से. सीरियसली बहुत खुश. और मैं कार में बैठ के रो रही थी कि ये मैं कहाँ आ गई. और मैं बोल रही थी कि हॉस्पिटल में सेंट्रल एसी क्यों नहीं है यहाँ पे. If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both the memories. Your mood stabilizing subject. Time flies from giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ हो रहा है. और स्पेशली कोविड के बाद क्योंकि पूरे साल दो साल कुछ नहीं हुआ और अब जाके ये फेयरवेल हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. कॉलेज में पहली बार हमारे लिए एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है. बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी एक्साइटेड. और फ्रेशर्स में ये था ना कि हम डॉक्टर बनने आए थे और फेयरवेल में हम डॉक्टर बन के जा रहे हैं. तो दैट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू. ये चेंज है कि हम परफेक्ट स्टैंडर्ड्स के साथ जा रहे हैं. तो दैट इज लेकिन एक बात है कि जैसे मतलब 17 बैच के रिस्पेक्ट में मैंने देखा कि वो मतलब मेरे मन में तो 17 बैच के रिस्पेक्ट में और ज्यादा बढ़ गई है. ऐसा मैं देख रही हूं कि तुम लोग मतलब जितना भी तुम लोग कर रहे हो ना तो वो देख के इतना अच्छा लग रहा है कि ये लोग हमें सच में इतना पसंद करते हैं कि हमें 17 बैच के सामने ऐसा होता था कभी कभी. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि यार पता नहीं लोग कुछ बोल ना दे और पता नहीं यार लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में. लेकिन तुम लोगों के इतने सारे एफर्ट्स देखे ना आप थोड़े से कॉन्फिडेंस आ रहे हैं कि लोग सीरियसली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. बहुत ही जेन्युइनली सीनियर वाले पे फीलिंग आ गई पहली बार. मतलब बहुत अच्छा यार. बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए. ऐसे अंगद का सुना कि वो पहली बार गाना छोड़ के डांस कर रहा है. बहुत एक्साइटेड है तुम लोग की बैच में निकल के आ रहे थे. बहुत एक्साइटेड है बार बार आना. Convinced or confused? What do you prefer in Viva? I like to convince. Me too, convince. I get confused.
अगर मैं कर पाती तो कंफ्यूज लेकिन खुद ही हो जाती है मैं नहीं कर पाता समझ आता है बट कन्विंस उनको समझ आ जाता है कि हम कन्विंस करना चाह रहे हैं या जब सर को कंफ्यूज करने की कोशिश करो तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली यही होता है हम कन्विंस ही तो नहीं होते ना यार दिक्कत तो सारी यही कन्विंस ही तो नहीं होते एनी ड्रंक स्टोरीज यार उसके लिए पहले ड्रंक होना पड़ेगा हिम्मत नहीं हुई आज यार मेरी ये है कि पल्स में हम लोग यहाँ की हुई है एक में मेरी पल्स की पल्स में फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी तो जब मैं घर गई थी तो मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि क्या करके आई है आगे चढ़ी चढ़ी लग रही है तारणहार ऑफ योर बैच इन एग्जामिनेशन हॉल मतलब ऐसा होता था लौंडे आपस में बात कर रहे होते थे आगे लड़कियों को सुनाई दे रहा होता था कि ऐसे नाम आपस में बता रहे थे कि ये आगे शांति प्रशांत के बाद ये जो कंटीन्यूअसली आगे सुनाते थे मतलब हम लोग को फाइनल ईयर में हमें लास्ट में आके पता चला कि ओ गॉड ये सब इंपॉर्टेंट है तो कुणाल मतलब इतना अच्छा लड़का जेनरली जैसे हमने तुम्हारे बैठे अंगत कैसे सुने वैसे कुणाल ने सारे न्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के भेज दिया था सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लिख के उसका उसके बारे में यूजेस मतलब बहुत ज्यादा और Who's the person you envy the most and why? Examiner. मेरा बाइबल क्या है वो इसकी जगह पे जाना है यहाँ जाना मुझे ये 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 वो चाहिए मुझे लगता था कि मैं वहाँ कब पहुँचूंगी और मैं ऐसे कब टॉर्चर Who's the person you have always wanted to date in your batch? Batch नहीं यार कॉलेज में पूछा यार. शुभम मिश्रा. शुभम मिश्रा. शुभम मिश्रा. इतना ज़्यादा बड़ा वाला क्रश है उनके ऊपर यार वो चली रह लेगी. Batch. Batch. ये batch हम तुम नाम ले देंगे फिर हम उनके सामने जाएंगे फिर ओह. What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? How much money do you think you have spent on Illu Shop? Serotonin or dopamine booster in your medical journey? क्योंकि मेरा तो एग्जाम टाइम
मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपका जो कॉलेज लाइफ है वो आपके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज योर कंपनी मैटर्स अ लॉट. आप कुछ बहुत अच्छी जगह पे होकर आपकी कंपनी अच्छी नहीं तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय. और मोस्ट मेमोरेबल डे एट आरडीएमसी beautiful girl. You envy the most and why? Jealousy या कुछ भी ऐसा? इसी से नहीं. सुनो. Level boy. क्यों? Level boy. प्रदीप. हमें बोल सकता है. हमें बोल सकता है. Any drunk story? Drunk story है. Covid में थी यार. Covid में हमारे पैसे बच्चे आए थे. नीट लगे हुए थे. पहली बार नीट लिया था हमने. हमारी
अच्छा आप आपकी दो पर्सनैलिटी जो 2016 वाली थी जब आप आए थे और एक अब तो जा रही है, तो ये वाली पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी को क्या कहना चाहिए? वो बहुत मासूमियत से थोड़ा सा जंगल शेर बन गया, रामी तो कूट कूट के भर गई। हाउ मच मनी डू यू थिंक यू हैव स्पेंट ऑन नीरू शॉप? पढ़ा था पर याद नहीं आया। अच्छा फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज, पहले दिन जब आए देखा बहुत अच्छी लग रही थी, सबसे अच्छी बहुत अच्छा डॉक्टर बन गए थे से कॉलेज अपना तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आने घंटे घंटे में सोना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इफ यू वर गिवन अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल, तो जो रेड पिल है वो चेंज करने के लिए और ब्लू पिल किसी भी मेमोरी को भूलने के लिए, तो एक ऐसी मेमोरी बताइए जो आप भुलाना चाहते हैं और एक जिसको चेंज करना चाहते हैं। हम भुलाना तो किसी नहीं चाहते, लेकिन फाइनल का एग्जाम रोहित चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामाइन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी, कोई ऐसी चीज जो आपका मतलब मूड एकदम रिफ्रेश कर देती है? अखंड बकचोदी चल रही है। मेमोरेबल है गोला के साथ, मैं 2 बजे रात प्रशासनिक भवन गया था मीटवर्स तक डाउनलोड कर रहा था, मैं डाउनलोड हुआ जो न्यू ईयर था जिस साल पिछले जो हमारा न्यू ईयर था वो हफ्ता ही बहुत सही था, वो रात जब किसी कर्मों के वजह से हम लोग रात में डंडे लेके खड़े थे हॉस्टल के अंदर। आज का दिन तो खराब हो गया, और आज का दिन काफी मेमोरेबल था। आज का दिन नहीं भाई, मैच होने वालों की कमी नहीं है, बट ठीक कर जाएगा। देवाशीष की बर्थडे पार्टी में 15 घंटे पी, अगले 2 दिन नाचाऊं भाई। कन्विंस और कंफ्यूज, व्हाट डू यू प्रेफर इन वाइवा? कन्विंस कन्विंस कन्विंस। हां मुझे आता है वाइवा स्टोरीज, तुम्हें मेरी तो पता ही होंगी। टाइम फ्लाइज from giving freshers to getting farewell, how do you feel about it? pehle fresher dilao kya yaar fresher nahi hui yaar hamari dekho yaar lamba time raha hai thoda sa isme na emotional jawab de dete hain 16 mein jab hum log aaye the matlab 16 mein hum log jab aaye the to yaar kya kuch bhi nahi tha fir aur jab 16 mein dekhte to 100 log the akele akele rehte the bench le dete hain neelu tha aur kuch tha nahi yaar itna agar kuch bhi tha nahi तब तो हम लोग समय काटते थे अपना। उस समय सबसे बड़ी बात होती थी लाइट की, कि लाइट नहीं आ रही। तूने मेमोरेबल डे पूछा था ना, मैं मेमोरेबल वीक बताता हूँ। हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाते थे डंडी ढूंढने। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात उस समय बेंच खौफ ऐसा था कि मतलब फैकल्टी का कोई था तो रहता नहीं था, मैं और हम जाते थे सिगरेट पीने, तो हम लोग सिगरेट जाते थे, हम नीचे से सिगरेट उठाते थे और वो जो अभी जो मेडिकल स्टोर बने हुए ये वाले उससे आगे जाकर सिगरेट पीते थे छुप के, कि मदर से कोई देख ना ले, सिगरेट ना हो जाए। तो उस समय माहौल ऐसा था कि भाई पता था नहीं कि यार क्या है क्या नहीं है, राइट में समोसा वाला जो है वो साइकिल से जा रहा था, तो मेरे जा रहे थे सिगरेट पी, और मेरे घर में सिगरेट हमारी गाड़ फट गई, ये नहीं बता दे कल जाके हम सिगरेट पी लेने के। भाई बात यही, 5 साल हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, जब जा रहे हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा।
पांडे उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। पांडे उसको जीवन ही थोड़ा अलग रहा है, दोस्ती इतनी रही है पांडे का, गलत दोस्त गलत ग्रुप पकड़ लिया। देखो मतलब मन तो आदमी का सबका ही होता है, बहुत होता है, लेकिन यह संगत ऐसी बढ़ जाए। और पता है संगत बात क्या है, जितने संगत में थे ना सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा लिए। Who's the person you always wanted to date in your batch? बताओ भाई, जानते सबको नाम लूंगा, सबको पता है, सबको पता भाई। तुम भी चाहते हो उसी को करना। तुम भी चाहते हो, तुम भी वही चाहते हो पक्का। अरे एक ही तो होता है, सब जान रहे हो। ठीक, यस, पास। Who's the person you? मी टाइम हो गया। Who's the person you envy the most and why? प्रशांत पांडे। भाई देख, envy करने लायक एक ही लड़का है। मतलब देख, 16 ले ले, 17 ले ले, 18 ले ले, 20 ले ले, ऐसी फ्रेंड कॉलिंग। तारणहार ऑफ योर बैच इन द एग्जामिनेशन हॉल। अभिमन्यु कुणाल भाई, लॉन्डे घिस रहे होते थे, ये भाई सब सो रहे होते थे। अबे भाई याद आया मुझे, फार्मा का प्रोफ था, दो दिन की छुट्टी थी, ठीक डेढ़ दिन मेरे रूम में सोए ना, मैं पढ़ा ना ये पढ़ा। लेकिन आगे ना, आगे आगे, लेकिन भैया तो कारण आ रहे हैं, कारण जो भी है काट लेना भाई। बैच का ये होगा है ना, मेरा भी यही है बैच में, लेकिन एग्जाम के टाइम में। अरे संबंध ये बताना जरूरी है भाई, ये बताना जरूरी है, संबंध संबंध वाली रिवील होने चाहिए, संबंध वाली बात है। Every time, भाई drunk stories, every party, भाई बहुत stories हैं, drunk 22 days में, uncountable, कांच फूटा था, अभी latest कांच, भाई drunk का सिर्फ drunk करता है कि कोई और प्रकार का नशा भी आता है, कोई और प्रकार का, भाई जिंदगी का एक नशा जो मैं भूल नहीं सकता ना ये लोग भूल पाएंगे, हाँ भाई, कांच से खून, दांत से खून, पता नहीं कहाँ से खून, मेरी 3 साल लगातार New Year party, इसकी मतलब party पे बहुत ज़्यादा sober रहता था, ताकि अगर New Year है तो अपने को ओकना है, कुणाल, भाई बाल्टी ला दे, कुणाल बाल्टी गोवा जाने वाले थे कि गांड फट पिएंगे गोवा, लेकिन हमारे मोहित दोस्त नहीं, नहीं मैं पहले पी लिया उसकी वजह, हाँ उसकी वजह क्या थी, जो थी वो वजह थी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, क्या हुआ, वजह छोड़ो, वो दिन भी क्या दंगा है, पास करो पास। What would be the reaction your personality with which you entered will give to the personality with which you are going to leave this college? एक बार क्वेश्चन बोल भाई, एक बार बोल, ऐसा लंबा क्वेश्चन नहीं आता। वो रिएक्शन जो आपकी ये वाली पर्सनैलिटी 2021 वाली उस पर्सनैलिटी को जो कि 2016 में थी कॉलेज में आई थी उसको देखकर देगी, डॉक्टर साहब अभी वाली
यार उस टाइम बड़ा मतलब अलग वो था, बड़ा गांडू आदमी है तू, कसम से चूतिया, मैं तो खुद को चूतिया बोलूंगा, जिम से कांदा उठा लिया। अरे इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं भाई, सॉरी इसलिए नहीं, लेकिन यार पहले क्या था, घर पे रहते थे, पता नहीं था कि ये सब लोग कैसे होते हैं। मैच्योरिटी थोड़ी कम थी, मैच्योरिटी बहुत कम थी। अब जैसे बहुत मैच्योर हो गया, ये मैच्योर हो गया, काफी मैच्योर हो गया। अब देखो जैसे टी-शर्ट सफेद हो रही है, जैसे टी-शर्ट दो दिन से पहन रखा है किसी वजह से, चार दिन से पहन रहा है, पहले कपड़े पहनता था कि ये खुद अच्छा लगे, अरे कपड़े हिसाब से पहनता कि दूसरा कैसे हो सकता है, लोग ऑरेंज ऑरेंज मैच्योर हुआ है हमारा प्रशांत, ऐसा नहीं है, बता रहा हूं ना, अपनी अपनी बात बतानी है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तुझे नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी कन्नू का मैच्योरिटी का कॉमन बता रहा हूं, तू मेरा बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरा सीरियस नोट पे यही है कि मैं मतलब अगर अपने यंगर सेल्फ से मिल सकता तो मैं खुद को बहुत लकी बताता कि मैं यहां पर इन बहन के लड़कों के साथ हूं। यार मैं तो खुद को हमेशा से स्मार्ट मानता हूं। ओ टेस्ट बहुत नहीं था, बहुत ज्यादा इसके बाद आधा मथुरा लपेट रखा है मैंने, पर पता नहीं कहां का लपेट, आधा मथुरा लपेट रखा है और दो तीन भाई हैं ये, इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, ये बुआ के लड़के और दो तीन भाई हैं, ये डिवाइड कर रखे हैं भाई, इतना ये मोहल्ला का है, मोहल्ला का है, स्मार्ट तो बहुत है, तेज। हाउ मच मनी डू यू थिंक यू हैव स्पेंट ऑन यूलो शॉप? जायदाद के पेपर बच्चे 70-80,000। हां यार मेरी मोटरसाइकिल नहीं, वो मैं ले लेता कौन जी भाई, क्या है फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज, बंजर जमीन तो हम चार लोग आए थे, तो पहली बार हम लोग जब आए यहाँ तो एडमिशन हुआ, उसके बाद वहाँ चले गए थे नीलू से, क्योंकि नीलू ही था उस समय, तो मैं जो 40 रुपये मांगा वो कोल्ड ड्रिंक का, तो वो बहुत ऑकवर्ड था, उसको बोला कि भैया यार 35 रुपये इसका MRP है, बोला कि डॉक्टर साहब लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी तो आगे से ले लीजिए, और यहाँ का एटीट्यूड तो यही है, तब से भी और भी यही है, और बुरा है भाई, अब और ज़्यादा बुरा है। बिंडी का है ले रही ये है तो चार बिंडी पूरी सब्जी है। If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both memories. ऋषिकेश वाली ट्रिप नहीं हो जानी चाहिए। अरे भाई वो मैं बदल सकता, मतलब अगर मुझे मतलब भेजा जाए वहाँ पे, वहाँ लाल टैबलेट दी जाए, आप क्या बदलना चाहोगे, तो मैं ऋषिकेश वाली ट्रिप अपनी मतलब क्यों हो गई, जो आधी अधूरी रह गई, मैं आधी अधूरी हुई कहाँ, किस्मत ऐसी होती होती रह गई, पांडे पहली बार निकले तो देश में दंगे हुए थे, फिर दूसरी बार जब कुंभ निकले थे तो पाकिस्तान पे हमले हुए थे, वो तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्या बोलना चाहोगे, तो वो मेमोरीज भी डिस्टर्ब होंगी, तो नो चेंज, ऐसा तो है नहीं, सब अच्छा याद रख सकते, कुछ खराब भी होना चाहिए, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। सेरोटोनिन और डोपामिन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी? सेरोटोनिन बताओ, अरे किसी को देख के तुम्हारी नाश हो गया, अरे तुम ले जाते हो तुम कमर उड़ के, वहां तो होता डोपामिन कहता, हां किसी का सट्टा किसी का भुट्टा, ये था ना कछुआ चुरा ले, अबे किसी को देख के कुछ रिलीज हो रहा हो भाई, कुछ और रिलीज होता है, कुछ भी रिलीज हो भुट्टा हो सकता हो। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ योर बैच? बैच नहीं बता मैं, मुझे कुछ नहीं है,
First day, first thought while entering the college. This is where I have to spend 5 years of my life. How will I even survive in this place? How will I survive? How will I survive? जी पाओगे? सेल लेके थोड़ा. If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both the memories. Blue pill. For what? To change. I will remove all the biscuits from the campus. Good one. I would like to take neither of them. एक बार पोस्ट करो. How much money do you think you have spent on your shop? A lot. Not illegal, but a lot. Excellent. Go to shop for. नीलू भैया को हमने गोवा का ट्रिप करा दिया है. सब का हो जाता है, लेकिन कोविड आ गया. Thousands of money. What? What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? Oh, teri. Wow, I love it. She will be proud. पहले गाली नहीं देते थे, अब गाली देते हैं. I will be grateful to God for the change. Who is the taranhar of your batch in examination hall? Adri! ये नहीं होता, पास नहीं होता कोई. Any run stories? From giving freshers to getting farewell, how do you feel about it? बहुत जल्दी निकल गए यार. Your mood is everything today. Family loss करनी psychology medicine क्यों करता है कोई subject mood stabilize नहीं करता है. Pharmacology high on drugs. First day first thought while entering the college. जी पाओगे? New hope for next 5 years. How will I survive? यार ना बहुत मुश्किल है. Memories बनानी है. If you are given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both memories. Yeah, blue pill, I will remove all the viscappers from the campus. Red pill, I will forget all the data of teachers. Serotonin and dopamine booster in your medical journey. Family and friends. Fest and cultural activity, yeah. Sports mm-hmm. weekend and fest. Your most memorable day at RDM. शिवम को मार दी थी. Fest class है. Roll number 75. The most handsome man of your batch.
सौरभ शर्मा राउंड सौरभ शर्मा मेरे भी आदा most interesting person of your batch Suresh Kalindi Aman Sahu हाँ dressing है वो one word answer for the Bandra city exploring beautiful Suhan Alwa and rocking हाँ इंटोने पहाड़ and for MBBS roller coaster life changing memories adventure your favorite subject in MBBS medicine medical physiology pharmacology high on drugs most memorable day at RJ guys thank you first day first thought when entering the college kahan aa gaya koi bhi nahi dikh raha tha yahan pe koi khali tha jungle yahan koi aur bhi rehta hai yahi sawal aaya Mood stabilizing subject. Medicine. Micro. Convince or confuse. What do you prefer in Viva? Sorry. Time flies. From giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? बहुत ही nostalgic feel हो रहा है, बहुत ही emotional है. पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी आ जाएगा अब जैसे जैसे फेवल आती जाएगी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अभी तक मतलब पता था कि जाना है बट अब एक रियलिटी है कि जा ही रहे तो मतलब एक रोलर कोस्टर वाली राइड है हर चीज हुई है इस टाइम में बिल्कुल जैसे लाइफ में होती है अप्स एंड डाउन पूरा एक्साइटमेंट है फिर से वापस घर ही जाना है इफ यू वर गिवन अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल रेड टू चेंज एंड ब्लू टू फॉरगेट कमेंट ऑन बोथ द मेमोरीज आई वुड टेक ऑल द ब्लू पिल्स सेम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स Serotonin and dopamine booster in medical journey. My best friend. Thank you. I can say this. Late night conversation. Bhai, saath baith ke baatein raat ko. Most memorable day at RDMC. Who do you think is the most handsome man of your batch? We'll dodge that. And who's the person they've always wanted to date your batch? Who's the person you envy the most and why? ये बहुत खाते हैं लेकिन कभी मोटी नहीं होती है इस बार Any drunk stories? Before drunk story. मतलब we had a table study table तो we kept everything and इससे पहले हम शुरू भी कर पाए वो सब गिर गया वो study table गिर गया stand गिर गया वो सब गिर गया और हमारा जो थोड़ा लगा जो बचा हुआ हमने उसी से काम चलाया Who's the taranghar of your batch in the examination hall? What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are leaving the college? I think I would say when it comes to certain people I'm smarter now. Haan, even I used to feel judgment hoga and all that, but I've grown away of it. Isko thoda change kar sakte hain? Matlab ab on it. To matlab abhi jo personality hai wo pehle wali jo ke liye hai ki I must the girl you were. Manual, you were leader. How much money do you think you have spent on Illusion? Most memorable day at RDMC. बट हम लोगों ने वार्डन से परमिशन नहीं ली थी क्योंकि उस टाइम चले जाते थे तो हम लोगों ने ऐसे वार्डन से परमिशन नहीं ली बट उन्होंने हमारा फिर हॉस्टल वाला गेट नहीं खुलने दिया और हम लोग की फिर नेक्स्ट हम लोग की फ्लाइट थी वो भी ऑलमोस्ट मिस हो जाती बट हम लोग कैसे कैसे करके रात भर पहुंचे फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड ली और उसके बाद किसी बच्चे ने रात को बोर्डिंग कर दिया
मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ योर बैच मेरे टाइम पे तो रोल नंबर हमेशा चेंज करते थे।
return story. You have spent on Nilu shop. Any drunk story? Still to come. Haven't been drunk. Who's the person you envy the most and why? Taranhar of your batch in examination hall. What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? बहुत शर्माता था मैं, मुझे याद है कि लड़कियां जिस रास्ते से आती हैं मैं चेंज करके दूसरे रास्ते से चला जाता था और अभी मेरे साथ एक लड़की घूमती है हमेशा. Your mood stabilizing subject. Option. First day, first thought while entering the college. मेरा था कि मैं डॉक्टर बनके गरीबों की सेवा करूंगा. Freshers चाहिए. Time flies from giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? मुझे याद है जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं अपने दोस्त को फोन करके कह रहा था यार 5.5 साल हैं कैसे बीतेंगे और मैं उसको कल फोन करके कह रहा था कि मुझे फेयरवेल मिलता है. It was just... If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both the memories. Red pill मतलब कि मैंने लड़ाइयाँ थोड़ी अननेसेसरी की है तो मैं चाहता कि थोड़ी कम लड़ाई करता और मैं कुछ भूलना नहीं चाहता, मैं सब लेके जाना चाहता यहाँ से. कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं फॉरगेट करना, मुझे तो सब लेके जाना. Convince or confuse? What do you prefer in Viva? आप चाहे जैसे बाहर निकलो एग्जामिनर कन्विंस हो जाए. कन्विंस को नहीं, कंफ्यूज हुआ था एग्जामिनर.
सेरोटोनिन और डोपामिन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी? तो मेरे लिए है माय पोएट्री. मोस्ट मेमोरेबल डे एट आरडीएमसी? जब इंटर्नशिप का पहला दिन था, जब कोविड वार्ड में घुसे थे. फर्स्ट डे वी वर्क एज अ पीआईसी. फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज? आ जाना है. इससे अच्छा क्या होगा, ये कहां आ गया भाई. एकदम सन्नाटा पड़ा था. आदर्श जी मिला था मैं सबसे पहले तो. और भाई कहां से है? मुझे तो मिला था शायद शिवम. तुम मिला था क्या पहले? हां पहले तो गाड़ी के यार खाली. अब फिर बाना खाली जिंदगी में यही लिखा था. एनी ड्रंक स्टोरी? हमारी ड्रंक स्टोरी एक ही अंक स्टोरी है. दोस्त था हमारा, दोस्त था, खूब चढ़ा ली उसने. और बाद में अपने ही बालकनी में बालकनी में आधा आधा मार कपड़े तरफ से रहा. और ये डायलॉग आज के बाद बस आखिरी था. ये फर्स्ट ईयर में पैक बनाना आता नहीं था. आधी आधी ग्लास में आधी दारू आधा पानी पिया और फिर ओ गया ओ गया हो गया. फिर बंदा दूसरा बंदा के बाल्टी से पानी डाल रहा है. अपनी बर्थडे पे बालकनी में अपने गत्ते में मुंह रख के सोना. होते हैं की उल्टियां साथी है. होते हैं लोग. होते हैं द पर्सन मांग पी के पड़े बंदा. हु इज द पर्सन यू एनवी द मोस्ट एंड व्हाई? ऋषभ बॉस का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सही. वी एग्री. और प्रियाशीष का पैसा वो तो खैर कर ही सकते हैं. चाहत होती है, चाहिए रहती है तो चाहिए होता है. Who's the person you have always wanted to date in your batch? In our batch? College नहीं हो सकता? दोनों हो सकता है. मंटा कहीं वाला कहीं वाला क्या ये नाम? एनी बस कोई तो आधा पास का क्वेश्चन था. मैं बहुत ध्यान से जवाब देगा. ठीक है. दिल से आता है उनका बेटा. मैं जा रहा हूं कॉलेज में. कौन कॉलेज का है? कॉलेज का मयूर. बुरा मत मानना यार. अरे मैं बस आपकी काटू मैं. ड्रीम होगा, ये ड्रीम होगा. ओके अरे बात करेगा टीम करना. तारक हार ऑफ योर बैच इन एग्जामिनेशन हॉल. राजमणि What would be the reaction your personality with which you entered will give the personality with which you are going to leave this college? अपने बच्चे का नाम ऐसे नहीं रखना. किसी को डॉक्टर नहीं बनाना वापस. थोड़ा कम पिया करो. How much money do you think you have spent on Nilu shop? Nilu mall ban gaya. London trip hogi bhai uski. Goa taraf se jata hai. Convince or confuse? What would you prefer in Viva? Confuse. Convince karogi aata hai. Fail diya hoga. ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता. जितनी जल्दी निकल सको निकल. Time flies from giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? ये रुला रहा है भाई. फील बता नहीं सकते, फील महसूस होता है. No words. Mood stabilizing subject. Subject. Subject is object. सब बता दो भाई, अपने अपने बता दो. हाँ भाई. बता भाई. You shall. Subject बता. Subject बता. From three. क्या गाने जाते रहते हो? चल बैठे रहो. भाई पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं. If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both. दोनों रख लूँगा, पर जब मन करे तो खा लूँगा. कौन सी लोगे पिल? Tell us a memory about which one to forget and which one to change. भाई forget वाले तो बता नहीं सकता. उसको change वाले भी बता नहीं सकता. उसको forget करके change कर सकता. उसको forget करना नहीं चाहता. ये बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये पता सबको है. और जो भी देखेंगे वीडियो वो भी समझ जाएंगे. Most same thoughts. Most memorable day at RDMC. Last year birthday. Final year exam वाइवा खत्म होने. भाई मेरा तो बिच्छू है. सेरोटोनिन एंड डोपामिन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी? भाई सेरोटोनिन और डोपामिन का तो नहीं पता, एनर्जी बूस्टर तो है. मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ योर बैच? ऋषभ बॉस. कंटी बॉस. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ योर बैच? बैच बैच दोनों दोनों ऑफ कॉलेज एंड ऑफ बैच. नहीं भाई बैच नाराज होगा, बैच हरा वाला है नहीं, वरना वो नाराज हो जाता है. बता दे भाई, बता दे भाई.
प्रियांक को मत दिखाना ये वीडियो बैच बता दी भाई Most beautiful girl. थोड़ा सही वाला जवाब तो दिया नहीं, इसके चक्कर में दुनिया जानती है। Who's the person you have always wanted to date in your batch? Who's the person you envy the most and why? Siddharth Gupta. बैटिंग इतनी अच्छी है, बॉलिंग इतनी अच्छी है कि मैं हमेशा चाहता हूँ ऐसा कोई, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कुछ बोलने वाला ये मैं करता हूँ दानिश और रशीद, क्योंकि बहुत तेज पड़ते हैं, क्योंकि स्पीड पेंडिंग Any drunk stories? अरे ड्रंक की स्टोरी ज़ैन भाई बताएंगे। ज़ैन भाई शराब को काफी प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली ड्रंक की स्टोरी नहीं लेंगे ज़ैन भाई। यहाँ से कोई नहीं। तूने भी हो बांग नहीं किया? अबे हाँ। मतलब नहा रहे थे तो भांग पी लेते थे, तो जाके मैं बैठ गया, पांडे बैठ गया, तो मिट्टी लाके पूरा रगड़ भाई साफ हो रहा है। मेरे दो रगड़ रहे थे, पूरे धीरे 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 करके आ गया साफ हो रहा है वो, और रगड़ कम से कम आधे घंटे रगड़े थे। सबसे तरस का उंगली सब मिट्टी ऐसे निकाल के बाद त्रिपाठी ब्रश किया था वहाँ पे। अच्छा नशा है भांग का, मतलब मैं बोलूँ दारू का, मतलब किसी को नशा करना तो भांग दारू का नशा नहीं। मैं तैर रहा था, मैं और तन में बस भांग पिए थे, हम लोग लेट के समंदर के ऊपर तैर रहे थे। तारणहार ऑफ योर बैच इन एग्जामिनेशन हॉल।
अरे राज मिली चौथा अरे अरे पांडे अरे बैच को पास कर नहीं नहीं ना अनसंग नहीं एग्जाम में सवाल नहीं सबमिशन टाइम के लिए फाइनल है अनसंग राज बहुत है पूरा पेपर पूरा था सेकंड ईयर में पूरा एकदम पूरा सपोर्ट कर रहा है अरे पांडे अरे पांडे मार ले भाई ये कहता हसन हसन भाई से पूछा जाए हसन हां हसन यार मानने कोई लगता है हसन बता रहा है हसन बता रहा है राहुल हर्षित और कुणाल हां मैंने इसको जीता पेपर था कि 2017 का पेपर लेके आया था 2017 का पेपर दिलवाना What would be the reaction? What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? How much money do you think you have spent on your shop? अभी भी उधार है अभी घर भी उधार होगा 1 लाख हुआ गया था मतलब इतने पैसे दिए उसमें कंगन से उधर रखे हुआ गया था लंदन जाने की दूसरी दुकान हमसे खुली है योर मूड स्टेबलाइजिंग सब्जेक्ट कन्विंस और कन्फ्यूज व्हाट डू यू प्रेफर इन वाइवा मतलब मुंह खुल जाए वहाँ पे जाके कुछ बोल दूँ सही जितना नीचे देख सकते हो उतना नीचे देखते रहो लगातार टाइम फ्लाइज फ्रॉम गिविंग प्रेशर्स टू गेटिंग फेयरवेल हाउ डू यू फील अबाउट इट थोड़ा लगता है थोड़ा मजा आया था लेकिन अब जो टाइम खत्म हो रहा तो फिर वही है फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज एंट्री ली तो देखा सारा सामने का रोड वो दीवारी नहीं दिख रही उधर वाली मैंने कहा इतना बड़ा भी कोई कॉलेज होता है मेडिकल कॉलेज कानपुर के If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both memories. Blue pill to forget. उसके बाद जो होगा वो फॉरगेट करना चाहूंगा अब मेरा चेंज करने का यार अरे रणवीर बोल रहा है यार चेंज करने का ये है कि एक बार क्लास में मेमोस बना रहे थे तो क्या हुआ था आदित्य बोस से पूछा करा करके कुछ मैंने कुछ गलत बता दिया तो बोले मैं बड़ा बोला तुम तो सही है गलत मैंने सही सपोर्ट कर दिया भाई दोनों को पहला बोला फिर उसके बाद से मेरी बहुत फटी तो चले गए तो थोड़ा ठीक है मेरे क्या पता थर्ड ईयर में दिक्कत होती है मैंने
अभी तेरे गाता ही स्नैक नहीं करा था इसने कुछ आगे ब्लू पिल में यार मेरी स्टोरी है अरे अरे नोटली में जैसे पहले पूछा जा रहा था तो हम लोग वही ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन पढ़ देते ना जैसे अपन ठीक है ठीक है तो उसमें फोर आर्म सर ने बोला कि सर ने पढ़ के आओ तो हम लोग क्या पढ़े मतलब पहले बाइसेप से ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन ये वो कॉन्फिडेंट था मैं क्या मतलब वहाँ चलू ठीक है वहाँ जाते बोला ब्लड सप्लाई बताओ पता ही नहीं ब्लड सप्लाई पढ़ना होता है बोले नर्व सप्लाई बताओ वो भी नहीं है कोई एक नर्व बता दो वो भी नहीं पता है बोले एक ब्लड मतलब एक ब्लड मेसिन बता दो नहीं पता वो यार सबसे ज्यादा मेडिसिन क्या दोगे बोला गुड बोला सही बताओ क्या दोगे जैगरी बोला अभी लाल आंख खोल के बोला अभी आयरन देंगे Serotonin or dopamine booster in your medical journey? Most memorable day at RDMC. लेकिन उसमें था कि मान खान बच गए मुते मेरा निकल गया इनका निकल गया इनका मेमोरेबल डे की वजह से अभी फेयरवेल हो जाएगी लेकिन मेरे हिसाब से मेमोरेबल डे तो तब होगा जब हम लोग किए की आखिरी दिन होगा हम लोग जाने वाले एक और था एक गाड़ी में पेशेंट को वाइवा था तो मोहित का नंबर वन था टू था शिवम का थ्री मेरा फोर तीन लोग लाइन से खड़े हो गए और सक्सेना सर आए वो कौशल सर वाइवा ले रहे थे सक्सेना सर आए गेट खुला छोड़ के चले गए भाई आवाजें आ रही उधर से कि तुम ये नहीं पढ़ के आए हो ये नहीं आए हो गधे हो क्या तुमको कुछ नहीं आता अब उसी में थोड़ा थोड़ा हुआ हमारी गांव छुट्टी जा रही है भाई मतलब ये सच था कि मतलब लिटरली फट गई सुना भी था कि पैसे मारी जाती है अब इंटरनल इतना पेड़ लाया तो भाई चल पता नहीं क्या करता तो वही था थोड़ा रोना धोना जो हुआ आगे बुझा क्या हुआ लिटरली वाला 5 मिनट बोला ऐसी चीज पूछी जो बुक में कहीं लिखी नहीं बहुत ज्यादा फटी भी कमाने वाला नंबर है ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं मेरे भाई का चेहरा नहीं आ रहा है उसके बाद फिर भी नहीं बोल पाया
मैंने कुछ ऐसा बहुत गंदा बोला था, मुझे बोलना नहीं चाहिए। दोस्त ने पहली बार तीन दिन में ऐसे चश्मा उतार के बोला कि चार दिन हो गए, आखिरी दिन है मादर चोट गांडू निकल आया। हमारे लिए जो चेयर थी बैठने के लिए वो थी पेशेंट वाली चेयर, लेकिन हमारा एक प्यारा बैचमेट उसे लगा कि भाई एग्जामिनर के सामने बैठना होगा, हम भी तो डॉक्टर है, हम भी तो ऐसे भी बैठेंगे तो पेशेंट वाली है। तो उसने कहा हमें किसी को पता नहीं था क्या हुआ है, पढ़ने लगे थे और पल्स में थे, पढ़ने पता चला रिजल्ट आया तो वही था मतलब। According to you, who's the most beautiful girl of your batch? Who's the most handsome man of your batch? काले को काला ही पढ़े नहीं थे, फिर मैंने मिटा दिया था उसे। हाँ बस वही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तारणहार ऑफ योर बैच इन एग्जामिनेशन हॉल। बैच का पर्सन यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डेट इन योर बैच? ये सोनू बात बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब कोई देगा नहीं। चांद चांद ले लो। अरे सुधीर लॉस के लिए गुंजाइश है। देखो भाई, देखो सारे अंधेरे छुपा हुआ है। पर्सनल बात करें देखो, हम लोगों क्या होता है, देहाती लोग हैं तो ऐसे पिया हुआ होता है, डेट तो ठीक करता है ना, तो बस डेट तो यार किसी को नहीं सोचते हम लोग। सुधीर लॉस सोचे गुंजा बाकी तुम पता लगाओ। How much money do you think you have spent on Neelu shop? Who's the person you envy the most in life? Rahul yaar, his hair is jealousy pe yaar. What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? पूरा बदल गया, पूरा कॉलेज में आके तो पूरा बदल गया। अच्छे से पहले मैं राहुल की तरह था, अब मैं अपनी तरह हो गया हूँ और बस सोनू की तरह भी हो गया। देखो मैं तो आज सीधा, ये सोनू तुषार सीधा देखने लगता है, ये सब टीम बैठ जितने थे ना सर एकदम बता दिया हमने। हाँ यही चीज है, बदले उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ये है, हमको बर्बाद किया है। लेकिन ग्रुप यही है, पूरा बदल गया, पूरी पर्सनालिटी बदल गई। सबसे हमें लगता है convinced or confused, what do you prefer in Viva? No Viva, I prefer no Viva. Bhai, main na confused, sorry. Sorry, I'm confused. Every time confused. Theek hai. Sorry, I'm confused. Every time confused. Pura confused. Hum log majority A batch wale hain, sab usme. Sabri ke Viva mein to hamara bhai bhai nahi dono. Pura confused bhai. Viva ke to Viva. Kya karte hain, kya kuch range mein gend aayegi? Viva sabse khatarnak cheez hai na. Time flies from giving freshers to getting farewell. How do you feel about it? Feeling excited? अरे नहीं यार, चलो ये तो बड़ा मतलब कैसा क्वेश्चन हो गया कि बात ये है ना, हमेशा चाहते थे कि हम इंटर्न बने, क्योंकि इससे पहले तो काफी संघर्ष किया है, बाकी सबको समझ लगे सब फर्स्ट ईयर में। देखो देखो ये है भी फाइस थी कि एक दिन इंटर्न बने, प्रेशर के टाइम पे तो यही रहता है ना कि अच्छा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा तो है ना कि अब तो खत्म होगा। मूड स्टेबलाइजिंग सब्जेक्ट कुछ है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कॉलेज में अंदर आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद ये है कि अरे यार उस समय तो गर्मी है, मतलब ये पहली बार भाई कॉलेज हम लोगों का ऐसा है कि लगा था कि जन्नत में आ गया है ना, पहली बार जब तक कि एलटी में हमारे मास्टर साहब नहीं मिले थे तब तक ये लगा था कि जन्नत है। रोज आगे मन की बात होती थी, तीन सर बैठ जाते थे, बेटा क्या इनहेंस कर सकते हैं को समझाने के लिए अपने टेक्निक में। इफ यू वर गिवन अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल, रेड टू चेंज और ब्लू टू फॉरगेट एनी मेमोरी, कमेंट ऑन बोथ? यार देखो मैं ब्लू पिल में तो सबसे ज्यादा मैं एनाटॉमिक को मेमोरी बुलाना चाहूंगा जो उस गोल चौराहे पे हुई थी। चार टीचर मुझे जो पकड़ करके बचाए थे, फ्लैश जला के देखा तकता, तो मैं उसे बुलाना चाहूंगा, ब्लू पिल बुलाने के लिए थी ना। हाँ मैं उसे उस चीज को बुलाना चाहूंगा। सेरोटोनिन और डोपामिन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी, और मेरा सेरोटोनिन जो इसने बोला पहला सबका कॉमन है।
मोस्ट मेमोरेबल डे एट आरडीएमसी मेमोरेबल डे तो यार पूरी मेमोरी ही तो है और मोस्ट मेमोरेबल डे बड़ा ढूंढना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी यही है मेमोरेबल डे जो हम लोगों का ही और आया ना सबसे मेमोरेबल डे यही Who's the taranhar of your batch in examination hall? Aditi, Akshita Tyagi, Yukta Dingra, Tanmay Gautam, Rajmani Chaudhary. Tarika bataun kaisa hai? Rajmani Chaudhary. Rajmani Chaudhary. Rajmani Chaudhary ko yaad karna hai. Tum jao yaar padne. Main bataun jab hum sitting karte the MC ka paper hota tha. To main first row mein hota tha aur Tanmay hota tha saatvi row mein. To aise chalta tha exam mein hamare paas khada tha dono ke. Hum sitting karte the kaise? Ke first question hai to batate the sir se. ठीक है सर पे हाथ लगा दिया पहले का आंसर हो गया ए ठीक है अगर बी है आंसर का तो कंधे पे ऐसे हाथ लगा दिया ठीक है टीचर को कोई पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं ठीक अगर थर्ड है तो सर पे हाथ रख दिया ठीक है और अगर फोर आंसर है तो पैर लगा दिया मैंने कहा बता देखो ये वन है मतलब ऑप्शन है ए बी एक बार चार बार बी लाइन से आ गए अब चार बार बी बताने तो ऐसे कुछ लाया फिर ऐसे कुछ लाया फिर सोचा ये बोलेगा क्या क्या दिक्कत है की बार बार कुछ ला रहा है दो बार तो लात ऐसे सामने खड़ा है तो कहाँ से पैर दिखाऊ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ लेकिन इनको काफी बता दिया अक्षिता से मैं पूछ रहा तो वायवा था मेरा ईएनटी का वायवा था तो इंस्ट्रूमेंट पूछे गए जैसे मेरा नंबर आया तो नंबर आने के बाद मुझे पता ही जो मुझे इंस्ट्रूमेंट पता है बस ये पता था लंबा लंबा है कुछ ये अब पता ही नहीं भगा दिया मुझे लगे अभी रुक जाओ चाय पी लेते हैं जैसे मैं बाहर गया मुझे लंबा लंबा सा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बता दो वो हंसने लगी और बोले इसका नाम पता नहीं क्या था मेरे भी याद नहीं चले जाओ अरे यार जाके ईएनटी का होता भाई ठीक है एक्सटर्नल आई थी चंडीगढ़ से है तो उन्होंने मुझे हेडलाइट दी ठीक है ना जो लगाते हैं ना वो दी उन्होंने कहा ये क्या है मैंने कहा कि मतलब हेडलैम्प है कहते इस्तेमाल किया है तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं ये तो कंसल्टेंट लोग और सीनियर लोग करते हैं हम तो टॉर्च से ही देख लेते हैं फिर उन्होंने पकड़ के उसको छीन के रख दिया घूरने लग गए मैं नीचे देखने लग गया बहुत देर तक देखे फिर कभी भगा भगा दिया कहते जाओ यहाँ से मुझे लगा कि मैं तो फेल हूँ साला आज तो गया मैं गुप्ता ने क्या किया था अपन एग्जामिनेशन हॉल में थे शायद थर्ड ईयर की बात है तो पेपर चला था अब उसका पेपर हो गया अपन एमसीक्यू था तो सेट मैच नहीं कर रहे थे तो इसलिए अब क्वेश्चन एक एक पूछ कर रहे तो टाइम जाता है अब जब क्वेश्चन उसका पेपर खत्म हो गया तो उसने कहा बढ़ने कुछ फिर वो पेपर की जा रही थी पेपर दे चुकी सबमिट कर चुकी थी अपनी बॉटल उसने मतलब बॉटल उठाने के लिए पीछे मुड़ी फिर मेरे से पूछ रही है क्या चाहिए क्या कौन सा आंसर का कौन सा जवाब चाहिए तो फिर मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछे हमारे साथ भी होता है आसान केस भी थे आदित्य बोलता है कि नहीं यार आसान तो सब लेते हैं थोड़ा मजा आएगा लिया थायरोक्लोसन टैक्सिस्ट और भाई जो मैडम पेली है ना मुझे तो दो तीन नंबर दे दी थी आदित्य रोता हुआ था अंदर से एकदम क्या हो गया मजा एनी ड्रंक स्टोरीज ड्रंक स्टोरी तो मेरे पास कुछ ऐसी है नहीं लेकिन एक बार क्या है दानिश बॉस के साथ गए थे और उन्होंने जो है एक चीज लाई थी जिसके लिए आयरन कार फंस गया था अब वहां पर जो है झुंड बन गया था चार पांच लोगों का लगातार लोग पी रहे थे उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे दानिश बॉस ऐसे जमीन पे ऐसे लेटे मिले ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है फ्लैट मुंह जमीन पे ऐसे लगा के हम लोग उसके पास गए बोला क्या हुआ भाई कुछ उल्टी उल्टी आ रही क्या चक्कर वक्कर आ रहा है बोलता नहीं भाई मैं तैर रहा हूँ मैंने बोला अरे तू तैर रहा है मैं भी तैरूंगा मैं भी लेट गया उसके पास जाके उसके बाद फिर हम लोग काफी देर तक यही सब करते रहे अच्छा मुझे वर्णित बॉस की भी एक कहानी याद आई जरूरी है एक बार पहली बार महाशिवरात्रि हुई थी भांग के गोले आए थे भांग के गोले का आइडिया था नहीं सबने ऐसे उठा उठा के खा लिया कि भांग खाते अब इन्होंने कुछ ज्यादा खा ली उसके बाद फिर ये सीधा लगभग शायद शिव जी के चरण छू के वापस आए थे अब वहां पर जो है ये बैठे हुए थे पहले तो दौड़ने लगे इधर पूरे कैंपस में दौड़ रहे हैं आगे पीछे उसके बाद फिर रुका और फिर जाके बेड पे लेट गया ऐसे थोड़ी देर बाद खबर आ रही है कि भाई किसी ने बाथरूम में इधर उधर चेक किया है पता चला कि भैया गड़बड़ सीन है उसके बाद इसकी फोटो डली थी जिसमें लगभग मरा हुआ सा लग रहा था ऐसे कंबल डाल के लाल हूं और ऐसे पड़ा हुआ था यार भाई बचा लो मुझे राजुल भाई की भी कहानी है राजुल भाई ने भांग खाई थी राजुल भाई को पता नहीं उनकी कोई टी शर्ट थी उसको फाड़ दिया किसी ने
देवाशीष ने फाड़ दिया। अब जब देवाशीष ने फाड़ दी तो इनकी झाट फायर बोलते कि अरे ये तो गिफ्ट की झट थी, गिफ्ट की झट थी, तोहफा था ये, तोहफा मार दिया तूने, गले से पकड़ लिया और उसके बाद बैठ गया, आज मैं तेरी हत्या कर दूंगा, ऐसे बैठ के उसको दाब रहा है, दाब रहा है, दाब रहा है, लगभग मर गया, इंटेंशनल नहीं था यार, उसको गिफ्ट पर ले गया था, हां यार भाई मर गया यार, क्या बताया यार, और देवाशीष तो अभी इतना पतला था, भाई गिफ्ट तो पूछ लो किसने दिया था, मैंने रोज बताओ यार गिफ्ट किसने दिया था, पहले ही बैठा सर। Who's the person you have always wanted to date in your batch? मेरे बस में सारे घर पे आग लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं ज्योति के साथ डेट पे जाना चाहूंगा। और कोई है? मुझे कुछ याद नहीं है, पहले कौन था? मुझे याद नहीं, प्रांजल भाई ने पूछा था, प्रांजल भाई आप? नहीं नहीं, मेरा अगर मैं लड़की होता तो मैं कुणाल के साथ होता। अब क्या करें, हूं तो लड़का, लेकिन ठीक है अब भी कुणाल के साथ जा रहा हूं। सही बात है, कुणाल के साथ। अब कुछ I would rather not say फास्ट क्लास भाई। अगर तन में लड़की होती तो मैं उसके साथ जाता। अभी भी जाते हो? लड़की हूँ नहीं, फिर भी खाना खाने जाते हो बाहर। Who's the person you envy the most in life? Envy? Jealousy. क्यों भाई? अरे यार होस्टल देखो, बताता हूँ, फर्स्ट ईयर से है वो मेरा हमेशा सामने, कभी पड़ोस में, कभी ऐसे ही रहा है हॉस्टल में, और सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, आएगा इधर की बात उधर हमेशा उल्टे सीधा काम करेगा, इसलिए हमेशा उसी से होती रहती है। बताओ तुम बस, तो जेलसी थोड़ी है भाई, मुझे मुझे जेलसी का नाम बताना है या किसी का भी बता सकते हैं? किसी का अधिकारी थी हमारे, हमसे मेरी सेकंड ईयर से अब तक बनी ही नहीं है, अधिकारी थी, अब तो विश करना भी छोड़ दिया है। और किसी को भाई कुछ बता? आज मैं बता दूंगा। अरे मैं, तू बता। मुझे मुझे जेलसी होती है इनसे, क्योंकि ये जो है रूम बहुत अच्छे से साफ वाफ रख लेते हैं, एकदम साफ सुथरे रहते हैं, अपने अपने भाई गंदगी कहाँ दिए है, कि 7 दिन हो चुके नहीं नहाया है, ये वाली शर्ट शायद 2 महीने से नहीं मिली, 7 दिन पहला शर्ट बन के रहता हूँ उनके साथ। What would be the reaction your personality with which you have entered will give to the personality with which you are going to leave this college? हिंदी में बोले तो समझ गया। अभी का प्रांजल, अभी वाले प्रांजल को क्या सीखते हैं, क्या मतलब एडवाइस वाले प्रांजल, अभी वाले प्रांजल को देखेगा तो क्या बोले, पुराना वाला कि अभी वाला? पुराना वाला प्रांजल, अभी वाले प्रांजल। मैं तो बदला ही नहीं हूं, हां तो पता नहीं, बिल्कुल समझे मेरे भाई, मेरे हिसाब से ये बस भाई, अगर मेरा पुराना वर्जन मुझसे अभी आके मिलता है तो वो सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, तूने 5 साल में मुझे सीख क्या दिया, हम तो भाई यार कोशिश नहीं करता, बस इतना ही है डिफरेंस। और मैं अपने पंक्चुअलिटी से बड़ा परेशान हूं, एंट्रिंग करी पंक्चुअलिटी से, अब भी सोचता हूँ कि कम से कम इतना पंक्चुअल ना रहूं और डेली रूटीन ना फॉलो करूं। पता नहीं यार, मैं पूछूं, रोइना अहले नजर मेरे हाल पे, रोइना अहले नजर मेरे हाल पे, अभी मुझको और ज्यादा खराब होना है, खराब होना है। हाउ मच मनी डू यू थिंक यू हैव स्पेंट ऑन नीलू शॉप? 2 लाख। कन्विंस और कंफ्यूज, व्हाट डू यू प्रेफर इन बाय? मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, मैं तो सॉरी बोल लेता हूँ, मैं कन्विंस क्या करूँ, उसको पता है मुझे नहीं आ रहा है। देखो हम क्या करना चाहिए कि तुम पे मतलब आता है, लेकिन बच्चा पढ़ के तो आया है लेकिन भूल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोशिश करना चाहूंगा अगर कि मैं दिखाऊं कि अरे मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा कर दूंगा, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कटेंगे और नंबर कट जाएगा। टाइम फ्लाइज फ्रॉम गिविंग फ्रेशर्स टू गेटिंग फेयरवेल, हाउ डू यू फील अबाउट इट? भाई मैं बता रहा हूँ, 5 साल पहले ये अनुज की बालकनी जो अभी रूम नंबर
इक्का तेरा था एकदम ऐसे ही किसी ग्रुप जो जूनियर हॉस्टल उसके बाहर हम लोग बैठते हैं पहली बार वो सिगरेट फूक के दिखा रहा था सिगरेट ऐसे फूकी जाती है और हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जूनियर आएंगे मैं बोलता था कि अबे साले मैं रैंकिंग नहीं लेने दूंगा तुझे मैं ऐसी कैसी कर दूंगा मैं तुझे कंप्लेन कर दूंगा और वो लोग मुझे बोलते थे हम तुझे पीट देंगे हम तुझे बोरे भर के मारेंगे और ये बात होती थी कि अभी तो कितना लंबा टाइम है भाई 5 साल बहुत लंबा टाइम है बहुत जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला साथ लेते थे फर्स्ट ईयर काफी लंबा था मेरे लिए कुछ लोग मुझे बहुत सता रहे थे मेरी अटेंडेंस काट के कम कर रहे थे बहुत दर्द था मेरी जिंदगी उस समय तब कोई और भी नहीं आया था तब कोई और था अबे यार ये बात कोई और था योर मूड स्टेबलाइजिंग सब्जेक्ट सर्जरी फर्स्ट डे फर्स्ट थॉट व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज यार पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ बीहड़ में एकदम गर्मी बहुत थी और ऊपर से कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा है कोई भी शॉप नहीं है चाय के लिए बहुत परेशान हुआ था यार बहुत खुश था कि कॉलेज मिला था फिर देखा कैंपस बहुत अच्छा है ग्राउंड भी था खेलने के लिए मेन पर्पस तो यही था कि खेलने के लिए ग्राउंड है अच्छी तभी इनके लंबे लंबे बॉल आराम से चर्सी लोग रहते हैं चर्सी लोग एकदम गुंडा यार बच्चों को लेकर ये क्वेश्चन मार्क था कि बस ऐसे बच्चे मिलने चाहिए जो गाली ना देते हो लड़कियों से दूर रहे पहले मुझे नहीं पता था कि एक भी साला भी बोल देंगे तो गलत हो गया एकदम लेकिन उल्टा हुआ है आने के बाद मैं आया था तो इधर कॉलेज में मेरी पूरी फैमिली के साथ आया था मैं मेरे घर वाले भी आए थे सब लोग बड़े खुश थे कि अंततः इसको कॉलेज मिल गया डॉक्टर वॉक्टर बन जाएगा मैं भी खुश था लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई बाहर कोई दुकान नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए बाइक चलानी आती नहीं है ना बाइक है मेरे पास साइकिल चलाऊंगा पैदल जाऊंगा क्या करूंगा तो काफी परेशानी रही थी उस समय लाइट भी चली गई थी उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ गर्मी बहुत है मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है कंफर्टिंग में जाके रुके थे लाइट नहीं आ रही है भाई घर आके जा रहा है घर चला गया था घर बाहर लाइट जाती थी तो मैं घर भाग गया एक हफ्ते में से 3 दिन यहाँ पर था मैं जब तीसरे दिन भी उसने कॉल किया और बोला कि भाई हो सकता है कल लाइट आए तो मैं झगड़ा गया भाग गया लाइट का तो ऐसा है लाइट जरूर जाएगी चैलेंज भी अरे फ्रॉम का एग्जाम तो ठीक है पक्का लाइट बाद में जब लाइट चली जाती थी ना रात को और जब आग लगाते थे उसके आसपास बैठ के गाना गाते थे नहीं जलाया तो अरे मैं टॉर्च था मैं इधर से टॉर्च चलाता था कोई उधर से टॉर्च चलाता था अरे बहुत अच्छा था मैं मैं सहारनपुर जा रहा था तो मेरा रिजर्वेशन करा था और हुआ ये कि जिस दिन रिजर्वेशन था तो उस दिन क्या ट्रेन कैंसिल हो गई वो ठीक है कैंसिल होने के बाद फिर मैंने उधर से पकड़ी थी नौचंदी से फिर मैं आया गाजियाबाद ठीक है गाजियाबाद आया तो फिर वहाँ से मैंने कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं लेट हुआ था काफी तो मुझे लगा कि शायद मैं 1 बजे तक पहुँच नहीं पाऊंगा लेकिन फिर मैं पहुँच गया था 1 बजे लेकिन रास्ते में जितनी परेशानियाँ होती मुझे कैंपस देख कर बहुत अच्छा फील होता तो काफी अच्छा लगा था मैं तारानाथ और नाम बताना चाहूँगा राजनीति चौधरी सेकंड ईयर से लेके सारे प्रोफेशनल में पेपर का काम नहीं करता था If you were given a red pill and a blue pill, red to change and blue to forget, comment on both the messages. दो मेमोरीज जो भी है जिसको एक को भूलना चाहते हो एक को चेंज करना चाहूंगा नहीं भाई मैं भूलना चाहूंगा जब एक कमीनों ने पूरा वहां पर जाके वहां खड़ा किया था और इलेक्शन हरवा दिया था बहुत जरूरी है उसे भूलना भाई सब बोल रहे थे हम तुझे वोट देंगे वहां पर गए सब साले पलट गए अरे भाई साहब बुरा या तो मैं तू डिजर्व करता था भले ही वोट ना दिया और भाई मैं क्या और क्या Forget and change. Change में first year करना चाहूँगा गलत decision लिया था शुरुआत में फिर बाद में सही हो गया तो third year आते तक वो सही हो गया था अरे second year में सही हो गया था यार second year में लेकिन मतलब वो पहले से ही सही रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता अरे सेरोटोनिन और डोपामिन बूस्टर इन मेडिकल जर्नी ये डोपामिन है और हमारी वाली इशू है सेरोटोनिन है सेरोटोनिन तो है त्रिपाठी डोपामिन है पांडे मैडम ये जो कुछ है हम दोनों का लगभग सेम है
जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था फोर्थ ईयर का, तो हम लोगों ने 5 किलो वो लाया था बोनलेस चिकन, उसके बाद हमने उससे चिकन के सीख कबाब बनाए थे पूरा बारबेक्यू लगा, तो उस दिन हम लोग 35 लोग को खाना खिलाए थे, पानी वानी की बड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत थी, लेकिन वो कॉन्डम बिल्कुल पता नहीं फ्रेश था या फ्रेश ही था वैसे, निकाला उसे फाड़ा, उसे लगाया पाइप में, उसमें टंकी की टैप में लगा दिया, लगाने के बाद उसे वो फूल गया, बाद में पता लगा कॉन्डम जो है बनके वो ब्रेस्ट चूचा बन जाता है। अरे मैं बताता हूँ यार, एक बार शुरुआत में तब तुम लोग नहीं आए थे, हम लोग वॉलीबॉल खेला करते थे और 2-3 सर लोग तो उनका खौफ था, जैसे विनी सर ऑटो वाले, एनडी वाले और भूपिंदर सर, एक दिन निकले हमने तो चुप गए थे, हमें जो अपने हॉस्टल के सामने रोड प्रसाद के सामने मुर्गा बनाया गया था रात में, मेरा नाम बताओ, अब मैं उस समय याद नहीं किया था, मुझे कंफ्यूजन था कि 2 VK पटेल सर है, एक VK पटेल है, एक VK पटेल, मैंने बोला आपका नाम आदरणीय चिकित्सक महोदय डॉक्टर VK पटेल सर है, तुमने बोला अच्छा मेरा VK पटेल है, मुझे तेरा नाम पता है तू फतेहपुर से, लेकिन तुझे मेरा नाम नहीं पता, मैं अब क्या बोलूं, सॉरी सॉरी बोलता रहा, फिर उसके बाद बोलते क्या हॉबी है तेरी, मैंने बोला मैं गाना वाना बजाता हूँ पियानो पे, तो बोलते अच्छा ले ले हो गया, ले चुके थे वो, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है इधर आओ, मैं वहां खड़ा हुआ, पीयूष को बुलाया, इधर आओ ये तेरा पियानो है, इसकी गाड़ पर पियानो बजा, हमारे माता का यूट्यूब ना करें, तो फिर पीयूष बनने लगा, उसके बाद मैंने जो है ऐसे ऐसे करने लगा, अब उसके बाद वो बोलते तेरी अब तेरे पियानो में आवाज नहीं आती, मैंने क्या टिंग टिंग टिंग, उसके बाद ना रोज वॉलीबॉल खेलते थे, जहाँ देखा गाड़ी बॉल बॉल छोड़ के सब छुप जाते थे नीचे जाकर, निकल गए, तब बताता हूँ ऐसे आग जला रहे थे, रात में गाना गा रहे थे, बहुत ज्यादा तेज गाना गा रहे थे, तो वहाँ से डीके पटेल सर और भूपेंद्र सर आ गए, और फिर जो उन्होंने SLD PLD सब कुछ करवाया है वहाँ पर, ऐसी कैसी हो गई, सब बताया था लोगों ने, सब करवा दिया था, 5-7-13 सब, एक मेरे से भी पूछा था सनी लियोनी का क्वेश्चन पूछा था कि सनी लियोनी कौन है, पता ही नहीं है, गाली देके बोले साले 2016 में जियो का सिम आ गया था, सनी लियोनी नहीं पता है। Most beautiful girl of your batch. Yukta Dhingra. एग्जाम में हेल्प की थी। देखो सब खूबसूरत है, ठीक है, आपको कॉलेज में कोई और पसंद है? चलो तो बैच की थे, कॉलेज की पूछो, बताओ जल्दी, तुम निकलवाना चाहते हो, बताओ, अरे आप बोले, पूरे कॉलेज की ऐसा तो नहीं सकता कि नहीं देखी होगी, मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ योर बैच मी ऑफ कॉलेज मी अमित कुमार मेहरबानी है, थोड़ी सी उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है, आंचल जो उड़ा हाँ तेरी मेहरबानी है, थोड़ी सी उम्मीद
उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है, लहरों से है सागर से गहरी भी है, ये तेरी मेरी बात है, रुलाती भी है हम में हंसाती भी है, ये तेरी मेरी बात है, ये तेरी मेरी बात है। हर सांस सुनाती है तेरा ही नाम, कच्चे ये धागे हैं कच्चे है रंग, छू लूं तो जी भी लूं कुछ तेरे संग, लहरों से है सागर से गहरी भी है, ये तेरी मेरी बात है, भुलाती भी है गम में हंसाती भी है, ये तेरी मेरी बात से आगे ऐसी कहानी है, लहरों से है सागर से गहरी।